Hello students, welcome to BBVN online classes. And in our previous video session, we were reading about the sentences. We have learned that what is a sentence and what are the kinds of sentences. Today we will discuss about the exercises that we can do in this chapter. So I am going to give you some exercises regarding these questions. Okay, so अगर मैं first question की बात करती हूँ, kind of sentence like I wrong is this. Okay, so this is a sentence. You have to recognize which type or which kind of sentence is this. Like यहाँ पर question mark लगा हुआ है, that is why I can say that it is an interrogative sentence. तो मुझे उसके आगे लिखना है interrogative sentence. ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है kind of sentence पहचानना है और हम उस sentence के आगे जो है वो लिख देंगे कि whether it is an imperative sentence, exclamatory sentence या फिर assertive sentence. Okay, सेकेंड हम बात करते हैं रीअरेंज की. पिछली क्लासेस में भी हम रीअरेंज के बारे में पढ़ चुके हैं. रीअरेंज क्या होते हैं? री प्लस अरेंज. ओके, दो वर्ड्स हैं इसमें, री प्लस अरेंज. री मतलब फिर से, अरेंज मतलब सिंक्रोनाइज करना. ओके, जंबल्ड वर्ड्स रहते हैं जो कि इस तरीके से लिखे हुए रहते हैं. एंड में अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप क्या करेंगे, उसका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. फुल स्टॉप है तो आप क्या करेंगे कि एन असर्टिव सेंटेंस जो है वो फॉर्म करेंगी. और ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या रहते हैं, वर्ड्स दिए हुए रहते हैं जिनको हमें असेंबल करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करना रहता है. तो रीअरेंज की एक्सरसाइजेज जो हैं वो इस तरीके की रहेंगी. थर्ड एक्सरसाइज हम इसमें कर सकते हैं, दैट इज री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क. इट मीन्स आपको सेंटेंस दिया जाएगा लेकिन ये जो कैपिटल लेटर है और जो मार्क है, ठीक है, वो नहीं दिए जाएंगे. सो आपको वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग फिल करने रहेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट I am going to Jaipur, ठीक है. सो यहाँ पर जो है अगर मैं इस तरीके से I को लिखती हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें सेंटेंस में कैपिटल लेटर लिखना है. तो आप I लिखेंगे, देन जो है एंड में आप जयपुर के बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे. सो इस तरीके से आपने ये रिकॉग्नाइज किया कि दिस इज एन असर्टिव सेंटेंसेस जिसका फर्स्ट वर्ड आपने कैपिटल लिखा और जो लास्ट में है उसमें फुल स्टॉप लगा के इसको कंप्लीट किया. इसी तरीके से इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं उसकी एक्सरसाइजेस बेस्ड रहेंगी. देन रीराइट द स्टेटमेंट एज क्वेश्चंस, ठीक है. जैसे कि ये वाला है आई एम गोइंग टू जयपुर, ये सेंटेंस जो है अगर हमें क्वेश्चन में, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसे हम पहले लिखेंगे एम आई और जो रेस्ट पार्ट है वो एज इट इज पुट किया जाएगा, गोइंग टू जयपुर एंड देन एंड में वही क्वेश्चन मार्क, ठीक है. सो इस तरीके से हम जो है एक असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू 1 to 10 सेंटेंसेस टू change from assertive to interrogative sentence. Okay, and one more exercise we can do in this chapter, that write the correct punctuation mark. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस आई एम गोइंग टू जयपुर लेकिन मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है. आपको पहचानना रहेगा दैट इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, इस कांट हैव अ क्वेश्चन मार्क, सो दैट यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद एन फुल स्टॉप, ठीक है. सो इस तरीके से आई विल सेंड यू सम एक्सरसाइजेस रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट, रीअरेंज करना है उनको, कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन मार्क्स सही जगह पर लगाने हैं. और इसी तरीके से हम जो है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो है उसे क्वेश्चन, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसे कर सकते हैं, या फिर असर्टिव सेंटेंस है उसे कर सकते हैं. सो टुडे वी हैव लर्नड दैट किस तरीके से हमें एक्सरसाइजेस जो हैं उनको सॉल्व आउट करना है.
So this is it for today. Thank you.